What is brightest planet in the solar system? What is the farthest planet in solar system from sun? What is the largest planet in solar system? And what is the sequence of planet from sun in solar system? Hello friends, welcome to Wikibug. Today I'm going to tell you the very interesting and basic facts of solar system. जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे थे, उस क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको चाहिए हो तो आपको पूरे 8 जो प्लैनेट्स है उनकी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन आपको जाननी होगी. द ब्रीफ बट इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ईच प्लैनेट इज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्लैनेट मर्कुरी, जिसको हिंदी में बुध भी कहा जाता है. इट इज नेम्ड ऑन रोमन गॉड मैसेंजर एंड इट इज वेरी क्लोजेस्ट टू सन. इन एडिशन टू दिस इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, या फिर सूरज से सबसे करीब ग्रह या प्लैनेट कौन सा है. तो आपको ध्यान में रखना होगा मर्कुरी, दैट इज बोथ वेरी नियरर टू सन, इट इज वेरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम. सेकेंड प्लैनेट दैट इज वीनस, जिसको हिंदी में कहा जाता है शुक्र. इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड इट स्पिन्स इन अपोजिट डायरेक्शन एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला प्लैनेट जो कि एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन होता है. इसके अलावा इसे अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है शुक्र, दैट इज वीनस इज वेरी ब्राइटेस्ट चमकीला ग्रह है सोलर सिस्टम में से. थर्ड वन अर्थ दैट इज पृथ्वी. अर्थ के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं. इट इज द ओनली प्लैनेट विच सस्टेन्स लाइफ. सोलर सिस्टम में से यही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीव सृष्टि अस्तित्व में है. इट हैव वन मून विच इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट टू द अर्थ. इसके अलावा अर्थ कवर्ड 71% वाटर. नेक्स्ट प्लैनेट मार्स, जिस ग्रह को कहा जाता है मंगल ग्रह. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट. Its red color is due to its composition, that is Fe2 and O3, that is iron oxide. It has two moon and has home of highest mountain, tallest volcano named Olympus Mons. Mars के बारे में, मंगल के बारे में अगर आपको कोई important question अगर ध्यान में रखना है तो आपको याद रखना होगा कि ये red planet है जो कि composition है iron oxide का, जिसे दो moons हैं. Let's move on next planet. नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज जुपिटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुरु या फिर आप इसे बृहस्पति भी कह सकते हैं. इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अकॉर्डिंग टू साइज इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है जुपिटर. इसके अलावा इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, इट इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट. आई एम वंस अगेन टेलिंग यू द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट. सबसे ब्राइटेस्ट जो चीज सोलर सिस्टम में है वो है शुक्र, दैट इज Venus, उसके बाद होगा मून एंड थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो होगा जुपिटर, दैट इज द गुरु या बृहस्पति. इन एडिशन टू दिस इट हैव 66 मून्स. अर्थ को एक मून है, मार्स को दो मून है, मर्क्यूरी को एक भी मून नहीं है एंड जुपिटर को टोटल 66 मून्स हैं. इसके बारे में अगर आपको कुछ ध्यान में रखना है तो मैं जरूर कहूंगा इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में से एंड थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है. लेट्स सी नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न, दैट इज शनि. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. फर्स्ट लार्जेस्ट होगा, जैसे कि हमने जस्ट देखा है, जुपिटर होगा फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट होगा सैटर्न. इट हैज अ रिंग व्हिच इज मेड ऑफ आइस पार्टिकल्स. इट हैव 62 मून्स. जस्ट जुपिटर को हमने देखा है 66 मून्स हैं. इन द सेम सेंस सैटर्न को होंगे 62 मून्स.
जिसमें टाइटन नाम का जो मून है वो अर्थ से भी आप देख सकते हो। टाइटन कैन सीन फ्रॉम अर्थ। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट प्लैनेट फ्रॉम सोलर सिस्टम दैट इज यूरेनस अरुण द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज आइसी गैस जायंट एंड डस्टी रिंग्स एंड हैज न्यूमरस मून्स। इसका मतलब यूरेनस दैट इज अरुण को बहुत सारे मून्स हैं। इसके बारे में अगर आपको याद रखना है तो मैं जरूर कहूंगा इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट एंड जिसको नंबर ऑफ मून्स है वो होगा अरुण दैट इज द यूरेनस। एंड लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नेपच्यून जिसको हम वरुण भी कहते हैं। इट इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस सबसे दूर जो प्लैनेट है वो होगा नेपच्यून। दैट्स व्हाई मैं यहां पे जरूर कहूंगा इट इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। वंस अगेन इन द सेम सेंस अरुण के जैसे इट हैज आइसी गैस जायंट। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर कहूं तो इट हैज मेनी स्टॉर्म्स एंड हैव 14 सैटेलाइट्स दैट इज 14 मून्स। ये सेम इन्फॉर्मेशन मैंने विकीबग के इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे भी ऑलरेडी शेयर की थी। आई होप ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिशियल होगी। ऐसे ही वीडियोस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए आपको विकीबग यूट्यूब चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा विकीबग चैनल के लास्ट एक वीडियो में इंडिया के जो डिफरेंट जो ब्रांड्स है उसके लॉन्ग फॉर्म का एक वीडियो मैंने प्रिपेयर किया था। वो भी वीडियो मुझे लगता है आपको मैं बन सके यहाँ पे आपको मैं उसके लिंक यहाँ पे शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग विकीबग। बाय।